शंगला टॉप हम पहुंच गए। शंगला टॉप अगर आप स्वात से जाते हैं तो शंगला टॉप काफ़ी मशहूर सियाहती मुकाम है। बर्फबारी भी यहाँ खूब होती है। तोरगर को दो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता बिशाम वाला है और ये पुरन वाला। तो पुरन वाला जो रास्ता है ये नज़दीक है, मतलब इसमें डेढ़ घंटा एक से ज़्यादा घंटा का जो फासिला है वो कम हो जाता है। तो हम ने इंतखाब किया पुरन वाले साइड पे, यानी मारतुंग पुरन काबलग्राम। फिर वहाँ से दरियाए सिंध को छोटे से ब्रिज के ज़रिए आप क्रॉस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है, मेरे साथ रहिए। ये छोटा सा बाजार है कोर्ट के यखपंगी जाते हुए। नदी की इस तरफ अखरोट की तरफ और लेफ्ट की तरफ चीड़ की तरफ थी। जाते हुए रास्ते में यह तंगे भी आता है अगर आप इस रूट को इस्तेमाल करते हैं, पुरन मारतुन और काबलग्राम। तो यह तंगे भी काफ़ी खूबसूरत इलाका है। ये गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इस इलाके को भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये सियाहती मकामात में शामिल किया है उन्होंने। यह तंगे टॉप अब यहाँ से पुरन तहसील शुरू। ये जो रास्ता है नीचे वाला रास्ता बुनियर को, और जो दूसरा ऊपर वाला रास्ता है यानी लेफ्ट वाला, ये रास्ता मारतुंग को जाता है और मारतुंग से फिर आगे जो है ना तोरहर के लिए काबलग्राम पहले आता है, और काबलग्राम के बाद आप दरियाए सिंध को क्रॉस करके तोरहर पहुंच जाते हैं। तो ये रोड बहुत ही, अब तक तो जो सड़क है बेहतरीन है, यानी मिंगवारा शहर से लेकर यहाँ तक जितनी भी सड़क आप देख रहे हैं बेहतरीन है। मारतुंग हम पहुँच गए हैं, और मारतुंग के जो मशहूर हकीम है सामने अगर आप देखें तो ये इसका क्लिनिक है, और बोर्ड भी यहाँ पर लगा है मारतुंग हकीम अस्पताल, और वलीउल्लाह मुलाई साहब जो है ना ये इनका क्लिनिक है। तो साथ रहे। इस वक्त हम मारतुंग से तकरीबन 3-4 किलोमीटर का रास्ता तय करके, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ काबलग्राम। अगर आप देखें तो ये सामने जो दरख्त और कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं ये काबलग्राम है, और इसके साथ ही जो दरिया है ये दरियाए सिंध है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ब्रिज भी है छोटा सा, और साथ ही मतलब यहाँ के मुकामी लोग कश्तियों के ज़रिए भी इसको क्रॉस करते हैं, और ये जो पुल है ब्रिज है इसके ज़रिए भी। सामने अगर आप देखें तो जुदबा है, यानी तोरगर का हेडक्वार्टर। तो बिल्कुल ये साथ साथ है मारतुंग से काबलग्राम, और काबलग्राम ये सामने बिल्कुल दरियाए सिंध के साथ लगा हुआ है, और सामने जुदबा है। तो ये बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, बहुत ही महदूद मतलब, लेकिन अगर रास्ता पुख्ता कर दिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए तो ये बेहतरीन है। मेरे साथ रहिए, हमने जाना है तोरगर। तो तोरगर मतलब तो आपको दिखाते हैं कि तोरगर में क्या है, मेरे साथ रहिए। रास्ता ख़राब है,
और कच्चा रास्ता है, मुश्किल है, लेकिन ये है कि हम गाड़ी के ज़रिए ही आए हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये काबुल ग्राम, दरियाए सिंध, जुद्बा, ये सब चीज़ें यहाँ से साफ नज़र आ रही है। तोरघर के लिए ब्रिज के ज़रिए जाना चाहते हैं तो ये रास्ता है, आगे फिर दूसरा रास्ता है वो चेयरलिफ्ट के ज़रिए आप क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि आपने जो भी आपको पसंद हो। रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मोटर कार आराम आराम से अगर आप चलाएं तो कोई इशू नहीं है। ये हम तकरीबन ब्रिज के करीब हम पहुंच रहे हैं, सामने तोरगर और इस तरफ शंगला, और आप मिंगवरा से मारतुंग तकरीबन कोई 3 घंटे में आप अगर मुसलसल सफ़र करते हैं तो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। फिर यहां से मारतुंग से काबुल ग्राम तक तकरीबन कोई आधा घंटा या 45 मिनट लगते हैं। रास्ता अच्छा है, यही वजह है कि टाइम लगता है। हालांकि ये कोई 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर होगा, इतना ही फासला होगा। ये ब्रिज है, अगर आपके पास मतलब नॉन कस्टम पेड गाड़ी है तो आप इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते, और अगर आपके पास सही गाड़ी है जिसके कागजात हो तो वो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। सामने तोरगर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ ये ज़िला शंगला। पुल मतलब लोहे का बना हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन बहरहाल फिर भी ठीक है। अगर हम इसको कहें कि मतलब यहाँ के लोगों को, मुकामी लोगों के लिए ये किसी नियामत से कम नहीं है। आप इसको मतलब ये वाहिद पुल है इस इलाके में, करीबी इलाकों में, तो ये बेहतरीन है। मेरा ख़्याल है कि ये ठीक ठाक यहाँ के लोगों के लिए एक सहूलत है। बस ट्रक वगैरह इनके लिए बना भी नहीं है और तंग भी है, तो सिर्फ मोटर कार वगैरह छोटे गाड़ी जो है ना इसको क्रॉस कर सकते हैं, और ये इन लोगों के लिए बिल्कुल एक नियामत है। ये चेयरलिफ्ट के ज़रिए लोग क्रॉस करते हैं। चेयरलिफ्ट में हम बैठ गए हैं, दरिया सिंध को क्रॉस करेंगे तो घर में दाखिल होंगे, और ये चेयरलिफ्ट स्टार्ट हो गया है। ओ मेरे साथ रहे,
बड़ी दरार। ठीक है, ये बिल्डिंग ये बने हैं, ये हेडक्वार्टर बना है, लेकिन जब ये ज़िला बन रहा था अमीर हैदर खान वज़ीर आला था और अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट थी, साथ में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो मैं खुद यार जरगे में मौजूद था। हैदर खान ने ये ऐलान किया था कि ये बिल्डिंगे आप लोगों को नहीं बनाओगे, 4-5 अरब रुपये पैकेज थे, ये सारा पैकेज आपको जो यहाँ की पसमानगी है, चाहे वो सड़कें हैं, एजुकेशन है या यहाँ के बिजली निज़ाम है, ये पैसा उसके ऊपर लगेगा। वही 4 अरब रुपये, फिर मेरा ख्याल है ये 16 अरब रुपये हुए थे, वो सारा पैसा आके यहाँ पर बिल्डिंगों पर लगाया, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, हर चीज़ बन गए, लेकिन बाहर लोगों के लिए बन गए, जो तोरघर के लोग हैं, जो 5 ट्राइब मदाखिला संजिया काजे नसर खेल बसखेल के लोग हैं, वो लोग अभी भी पसमानगी का शिकार है। ना रोड है, ऊपर पहाड़ियों की तरफ आप जाओगे, खूबसूरती के लिहाज से इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर न सड़कें हैं, न बिजली है, न रोड है, न अस्पताल है, न यहाँ पर और कोई सहूलियात है। तो हम यही बस चाहते हैं, हमारा ख्वाहिश ये है कि तोरघर भी बाकी जो ये 25 डिस्ट्रिक्ट है, 24-25 और तोरघर है, ये भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में आगे आ जाए। ये हाई स्कूल है और सामने दरियाए सिंध है और इसके साथ हाल भी है और जुद्बा। मुख्तसर सा विज़िट मैंने आपको करवाया। इसकी आबादी तकरीबन 1,70,000 है और 1 MPA का सीट है। दरिया के उस पार अगर आप देखें तो शंगला और इस तरफ तोरघर, सिर्फ एक दरियाए सिंध बीच में बह रहा है और यही बाउंड्री है, लेकिन दोनों इलाकों के जो आवाम है, लोग हैं, वो आपस में रिश्तेदारी भी है, दोस्तियाँ भी है और एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मतलब ये अगर आप देख सकते हैं तो 6 लिफ्ट भी यहाँ पर सब है, एक ब्रिज है, तो 2-3 जगहों पर 6 लिफ्ट है और एक जगह एक ब्रिज भी है। यहाँ पर तो रोड के मसाइल है, अस्पताल के मसाइल है, यहाँ पर यहाँ ऊपर मचेसर जाने के लिए रोड नहीं है। अच्छा। यहाँ ईद की चक्कर के लिए कोई जगह नहीं, यही जगह है कि यहाँ पर अब क्रिकेट खेलने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर नेट का भी मसला है, बिजली के मसले, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होते हैं। ज़िला शंगला और सामने ज़िला तोरघर, और ये अगर आप देखें सामने तो ये जुद्बा हेडक्वार्टर, ये सूरत हाल है। Thank you.